अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात तो यकीनन बड़ी अजीब सी है, लेकिन मैं बेइंतहा खुश हूँ कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। जी क्या है? ये तो होना ही था। और दूसरी शादी के लिए मुझे अपनी पहली बेगम से इजाजत चाहिए थी। मैंने उनसे बात की, ना सिर्फ उन्होंने इजाजत दी बल्कि इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो मेरी दूसरी बीवी और अपनी सौतन के साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगी। वाह, अरे सो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दूसरी शादी की पहली तैयारी मेरी पहली बीवी ने की। उन्होंने ना सिर्फ मेरी दूसरी बीवी को दुल्हन बनाया बल्कि शादी के गीत भी गाए। हैं? बड़े बात। ये वो पोस्ट है जो मैंने फेसबुक पे पढ़ी। आप यकीन कीजिए, तब से मेरी जो कैफियत है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। करे मैं शो जो निकल के इजाजत लेने चले। अच्छा मैं आपको बताऊं, इस बात पे आप पे कत्ल का पर्चा भी हो सकता है। क्यों? कुछ घर होंगे ना कि ऐन आपकी बात सुनते सुनते आखिरी पोर्शन सुनने से पहले किसी की केबल चली गई हो, तो वहां जितने हार्ट अटैक हुए होंगे उन सब के जिम्मेदार आप करार पाएंगे। वाह, क्योंकि दूसरा चांस भी गया ना। आप ऐसी पोस्ट क्यों पढ़ते हैं? इसमें मेरा कसूर बताइए क्या है? मैं हनी भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ, इस तरह की सारी पोस्ट्स आपकी टाइमलाइन पे ही क्यों आती हैं? मैं ज़ाती तौर पे खुद भी बहुत परेशान हूँ। मैं जी नहीं, बिल्कुल ये अच्छा फील नहीं है। अगर आप पहली से खुश हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी है? आज आप मुझे इतने मासूम लग रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको गले से लगा लूं। ऐसे लग रहा है सारी बातें दिल से नहीं कर रहे है ना? आप ये बातें गुर्दे से कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आपकी आंखों में जो मोटी मोटी ग्लेर है, आप अभी कैसे? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कैसे? मैं खुश हूँ, अल्लाह की कसम। ये खुशी के आंसू हैं। सही बात है, मैं खुश हूँ और मेरी दुआ है जो लोग खुश हैं वो खुश ही रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के हमारे मेहमान यंगस्टर्स हैं, आज के स्टार्स हैं और इंशाल्लाह ताला कल के वो सुपरस्टार्स होंगे। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब वहाज अली साहब। और हमारी दूसरी मेहमान हैं, वो भी आज की स्टार हैं और इंशाल्लाह कल की सुपरस्टार होंगी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, मोहतरमा किंजा रज़ाक साहिबा जी। सबसे पहले तो आप दोनों को जी अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी। इट्स अ प्लेजर जी। वहाज साहब, क्या हो रहा है जिंदगी में, जरा बताइए, थोड़ी सी रोशनी डालिए। बस सर, काम हो रहा है, कोविड से बचने बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं SOPs का लोग ख्याल रख रहे हैं? एटलीस्ट मैं जहाँ जहाँ कर रहा हूँ सेट्स पे, वहाँ तो रखा जा रहा है। ऐसे ही है किंजा साहिबा? होपफुली ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा, बिकॉज आई फील कि लोगों को बताना भी, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता है कि कोरोना तो है ही नहीं, और अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो लोगों को लगता है कि आप पागल हैं। लेकिन ये कि अपना अपनी हिफाजत खुद करनी है और अपने आप को खुद बचाना है इससे, तो बिल्कुल अच्छी बात है, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। बहुत कम अरसा हुआ है वहाज साहब काम करते हुए? जी तकरीबन 5 years, लेकिन 5 सालों में आपने बहुत स्पीड से काम किया है, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे लगता है समझ थोड़ा लेट आई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और एक्टिंग मुझे लगता है कि वाहिद उन्हें कामों में से है जो जितना आप करते जाते हैं उतना ही आपके लिए मुश्किल होता जाता है, उतना ही ज़्यादा चैलेंजेस आपको फील होते हैं। आपके साथ भी जब भी काम किया है तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, और वो ज़्यादा मुश्किल होता गया क्योंकि हर दफ़ा एक नई चीज़ पता चलती थी। अरे तो इस प्रॉब्लम मेरे में है? नहीं, प्रॉब्लम हम में। 4 साल हो गए किंजा साहिबा आपको भी मीडिया में आए। जी, बट वहाद से बिल्कुल ऑपोजिट है मेरा अभी तक का सफ़र, बिकॉज मैंने बाय चॉइस कम काम किया है, बिकॉज अपनी कोशिश थी मेरी कि कुछ ऐसा काम करूं जो हटके हो। लेकिन किंजा साहिबा पाकिस्तान में तो हटके काम होता ही नहीं। हाँ, तो फिर इसीलिए बैंड वैगन पे चढ़ गए। हटा कर होता है। मोर और लेस, क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्क्रीन पे आते रहना चाहिए, आप जितना नजर आएंगे आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज खुलती चली जाएंगी। वहाज, अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जो होली सोली आप पे डिपेंड करता हो, हालांकि यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग अ प्रोजेक्ट ऑल अलोन,
इसकी क्या वजह है? आई थिंक मैंने ये प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जो मेरे भी डिपेंडेंट थे, चले नहीं. अच्छा. लेकिन आई थिंक मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज की है. मुझे लगता है कि बेहतर टीम के साथ काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि आप वो प्रोजेक्ट्स चुनें जो टीम वीक है, स्क्रिप्ट्स वीक हैं. सिर्फ एक ये वजह. तो आपको लगता नहीं इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, आई थिंक पूरी दुनिया में यही होता है, क्वालिटी एंड देन क्वांटिटी. लेकिन पाकिस्तान में ये उलट है, क्वांटिटी देन क्वालिटी. यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है. हमारे यहाँ पे हनी भाई ने सब प्रोड्यूसर्स के नाम ना दिहाड़ी वन, दिहाड़ी टू, दिहाड़ी थ्री के नाम से सेव किए. तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना नहीं की. ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि हर बंदे की अप्रोच फर्क होती है ना. हर बंदे को नहीं आना स्क्रीन पे इतना ज्यादा. लेकिन साहिबा, बात सिर्फ इतनी है कि आते ही अगर आप क्वालिटी को फोकस कर लेंगे तो क्वालिटी तो मैं सक के जाऊं नहीं है कहीं. आप देख लीजिए जिस तरह के काम हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है ना. उसमें हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि उसे काम मिले. आपने कहा आपने किया नहीं, काम मिला नहीं या खुद ही नहीं किया? और आप एक वेब सीरीज पे भी आप काम कर रही हैं, तो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया से आप उधर जाने का सोच रही हैं? नहीं, जो भी मेरी तरफ आए, कोई अच्छा काम आए, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फिल्म हो, बट मेरे मयार पे उतरे तो मैंने अपना मयार खुद सेट किया. नहीं, जितने भी वेब सीरीज बन रही है, बड़ी अच्छी बात है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत बेहतर है टीवी से. नुमान साहब, असल में बड़ा ये एक टेक्निकल चीज होती है कि कौन सा काम लेना है कौन सा नहीं लेना. अगर मैं हर काम को पकड़ना शुरू कर दूं तो मैं तो एक मिनट के लिए भी फ्री ना बैठूं. मतलब इतना काम आता है, इतनी ऑफर्स आती हैं, लेकिन नहीं करते भाई. बहुत अच्छा करते हैं आप, प्रोजेक्ट पे बहुत मेहरबानी करते हैं. किस चीज की ऑफर आती है? मुख्तलिफ काम होगी, मुख्तलिफ काम, जरूरी नहीं एक्टिंग से रिलेटेड हो. खोदना है, कोई कब्र खोदनी है. ज्यादातर घरों के कामों की ऑफर आती है. एक्टिंग की बात तो नहीं ना आप कर रहे हैं? एक्टिंग भी इसमें शामिल है. एक्टिंग में भी वैसे इस तरह की ऑफर आती है. सलमान भाई, हम आपको इतनी देर से देख रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? आप ये देखें कि मैं इतनी देर से क्या देख रहा हूं. मैं देखना चाह रहा हूं लेकिन मुझे खौफ है क्योंकि ज्यादा नजदीक से ही और भयानक लगता है. अच्छा, ये अभी आपने डिफरेंस बताया बड़ा अच्छा, 5 years 4 years एक्सपीरियंस, लेकिन दोनों के सोशल मीडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है. काम में इतना नहीं है, 900K आए फॉलोअर्स हैं और बड़ी इंस्पिरेशन लोगों को देते हैं. एक चीज मैंने नोट की वहां पे कि तकरीबन 300 से ज्यादा अकाउंट्स हैं जिनको ये फॉलो कर रहे हैं, उसमें से 90% इनके फैंस के अकाउंट्स हैं. सेल्फ ऑब्सेशन है ये? नहीं, ये सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है. मेरे लिए एक तस्वीर लेना और उसको इंस्टाग्राम पे लगाना मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है. अच्छा. तो शुरू में तो जब ये फैन पेजेस बने तो मैंने कोई इतना बॉदर नहीं किया, लेकिन ऑनेस्टली इतनी अच्छी एडिटिंग शायद ड्रामे की नहीं होती जितनी अच्छे वीएम्स होते हैं. मेरा अभी नुमान सर के साथ एक सीन ऑन एयर हुआ था अभी रिसेंटली, वो इतना ज़्यादा वो लोगों ने उसको पसंद किया और उसके इतने अच्छे अच्छे कॉलाजेस बने, पिक्चर्स लगी. तो वो मैं इससे उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं कि किंगडम ऑफ वहाज, फैन गर्ल ऑफ वहाज, लाइक ऐसे अकाउंट्स. वो सब इतनी मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत के बाद मैं तो शायद मैक्सिमम यही कर सकता हूँ कि उनको फॉलो करूँ. कोई भी फैन कहता है मुझे फॉलो करो तो शुरू कर देते हैं फॉलो. वो कहते भी नहीं है. हाँ, मैं कर देता हूँ फॉलो. मैं भी अपने कुछ फैंस को फॉलो कर रहा था, बस अचानक रास्ते में पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने मुझे फॉलो कर लिया. हाँ, जिस फैन को फॉलो करते हुए गए उन्हें भ्रामा ने कुटिया सी था. ये सर मैं तंजीम साजी करना चाह रहे थे. कभी घिसी पिटी मोहब्बत रियल लाइफ में भी की? देखिए, वो वाली मोहब्बत का शौक हर एक को होता है. वो वाली मोहब्बत का शौक जिसी पिटी जो होती है. अच्छा, हमारे नसीब में कभी वो वाली मोहब्बत नहीं, वो आई होगी, वो अप्लाई नहीं कर सके होंगे आप. ये अप्लाई भी किया लेकिन वो बात, लेकिन फार्मूला खराब हो गया होगा. असल में इनकी एप्लीकेशन से वो खुश नहीं थी. हाँ, मेरा खैर सवाल इधर किया मैंने जी. बड़ी बेहतरीन. अच्छा, एक फीलिंग है वो बिल्कुल की कोई उसमें खौफनाक खबर, कोई दुख की खबर, यानी कामयाब हो गई हो. वो तो फिर ऐसी मोहब्बत का तो मजा ही नहीं आता जो कामयाब हो जाए. नाकाम हुई. बड़ी डीप बात की है वहां. बहुत डीप गला, बहुत टूटा हुआ लंदा दिना चिपटा है. अच्छा, मोहब्बत नाकाम होने का सबसे पहला जो इशारा, आंखें सूज जाती हैं. हां, आंखें सूजी किंजर नहीं, ठीक शेप बढ़ गया. हमने वैसे बढ़ाई हुई है क्योंकि कैरेक्टर्स भी उसी तरह के होते हैं. वैसे मेरा ख्याल है ये सब कुछ नहीं करना चाहिए वरना भी नई मोहब्बत नहीं मिलती. सर, पहली और सच्ची मोहब्बत का वाहिद इलाज दूसरी और सच्ची मोहब्बत है. बिल्कुल, यूसुफी साहब फरमावे हैं. और वो हारिस खलीफ का शेर भी है ना कि इश्क रह रह के याद आते हैं, ये नए इश्क की निशानी है.
दोबारा नहीं इश्क हुआ? इश्क तो जी आज तक हो जाता है, तो आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? नहीं, उसकी वैक्सीन नहीं लगवा सकते, काम ऐसा है उसमें इश्क होता रहे तो एक्सप्रेशन आता रहेगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप मैरिड हैं। नहीं, मैं चीख चीख के खुद बता देता हूं। ये इश्क वाली बात उधर तक भी करें, मैं आज नहीं, मेरे ख्याल से इधर तक ठीक है। अच्छा, शादी के बावजूद आपको सोशल मीडिया पे आती है और रिक्वेस्ट हमसे शादी कर लें प्लीज? बिल्कुल, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खुश हो तो खुशी होने वाली बात है। इस उम्र तो मैंने भी आन देना। आप क्या करते हैं? मुझे भी आपसे मोहब्बत है, किसी तरह दिल रख लोगे तो की कोई क्यामत आ जाए। ये बुराइयां जो ये आमतौर पे किस वजह से जन्म लेती हैं? लो जी, बहाज अली साहब हमारे साथ मौजूद है, किंजा रजाक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आपने अगर कहीं जाना है तो हुआ ही, हमें किसी भी किस्म का कोई इतराज नहीं है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वापस से खुश आमदेद कहते हैं जी सरकार में। बहाज अली साहब और किंजा रजाक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बड़ी मजेदार बातें हो रही है। बहाज जी, फिल्म की रिसेंटली यॉर्कर आ चुकी है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए थी। अच्छा, ओटीटी के लिए थी, यूट्यूब के लिए थी? अच्छा, यूट्यूब के लिए। यूट्यूब फैसल कुरैशी के साथ बड़ा अच्छा रिसेंटली प्रोजेक्ट किया। जी, फैसल कुरैशी के साथ किया, मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, एंड ही इज आल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो बहुत अच्छा मेरा तजर्बा रहा उनके साथ काम करके। तो उस टीम के साथ मजीद आगे कोई काम कर रही हैं? इंशाल्लाह प्लान है। अभी आप एक और चैनल के लिए काम कर रही हैं इस्लामाबाद में? जी, हरीम फारूक साहिबा के साथ। जी, और ये भी हैं। तो वो सुना है कि वो बड़ा एक अनयूजुअल सब प्रोजेक्ट है। उसको करने की वजह भी यही थी, जो भी आपने जैसे कहा कि रूटीन का काम हो रहा है, वो जरा थोड़ा हटके था। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका आई फील कि जो टीवी स्क्रीन्स पे हम देखते हैं ना, उससे हटके थोड़ा सा वेब लगता है मुझे, वो कि वेब सीरीज की तरफ वो जा रहा है। रूटीन का सब्जेक्ट नहीं है वो? रूटीन का सब्जेक्ट नहीं है। क्या सब्जेक्ट है एग्जैक्टली स्टोरी के? फिजिक्स। मुझे लगा बायोलॉजी है, फिर तो मैं इंटरेस्टेड होता। मॉडलिंग भी किया आपने? आपने कभी सोचा था कि यूं सड़क पे जाते हुए एक दिन इस जगह पे मेरी तस्वीर लगी हुई? नहीं, मैंने नहीं सोचा। क्या आप अपना काम कुम नहीं करते, इनकी तस्वीरें देखते? सामने आ जाती है ना, बिलबोर्ड्स पे आ जाती है ना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लाई एक मूवी आ रही है? फ्लाई, बिल्कुल। फ्लाई मक्खी? नहीं नहीं, हाँ फ्लाई, उड़ान। अच्छा, ओके। वो असल में जब हम उस पर काम कर रहे थे तो फिर ये कोविड का सारा चैप्टर शुरू हो गया, तो वो वहीं पर रह गई। अब लेट्स सी उसका क्या फाइनल होता है। फ्यूचर में जाने का इरादा है प्रोडक्शन में? अभी तो पास्ट में भी प्रोडक्शन करते हैं, पास्ट में करता रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्मेट चूज की थी, लेकिन टेलीविजन की ज़रा थोड़ी डिफरेंट है और बहुत टफ है, और मुझे लगता है कि या तो आप प्रोडक्शन कर लें या आप एक्टिंग कर लें, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, दोनों प्रेशर एक साथ लेना वो बड़ा बहुत मुश्किल है। अच्छा, घर में कितना वक्त दे रहे हैं वहाज? आजकल तो बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा हूँ, पिछले साल दे पाया था अच्छा वक्त। घर वालों को कोई शिकायत नहीं है कि वहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल। लेकिन घर वालों को शिकायत रहती है, और अच्छी बात है, अच्छा लगता है शिकायत रहती है। कैसे डील करते हो? एक बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ता है काम में और घरेलू मामलात में, डोमेस्टिक इश्यूज में, और बस खुश करते रहते हैं जिस तरह भी कर सकते हैं। तो फिशो फिल आके दे और ये माफी मांगते रहते हैं, बेहतरीन काम, घर पे घुटनों पे रहते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक मसला होता है कि कुछ सालों बाद तोहफे खत्म हो जाते हैं, मतलब देखिए सोचना कि अब क्या दूं। तोहफे एक वाहिद ऐसी चीज है कि वो रिपीट पे भी डाल देंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बेहतरीन आएगा। हम एक छोटी सी गेम खेलना चाहते हैं आप दोनों के साथ, दोनों आप दोनों जहीन हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको एक्ट करके दूसरे ने बूझना है कि ये कौन सी शख्सियत है। ठीक है, पहले आप में से कौन एक्ट करके दिखाना चाहेंगे? मैं कोशिश करता हूँ। आप कोशिश करते हैं, हो जाती है आपसे लेडीज फर्स्ट। पहले लेडी बूझेंगी। ओके, पहली शख्सियत वहाज साहब मैं आपको दिखाने लगा हूँ, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़े प्यारे इंटरनेशनल एक्टर हैं। लीजिए, बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक्ट करना, नाम भी बता दे। आप नाम ले सकते कुछ ऐसी हरकतें कीजिए उनकी जो किंजर साहिबा के लिए कैसे। हाँ हाँ, नाम से देखिए।
अरे वाह, बांसुरी से ही बूझ लिया। वाह 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 वाह। लीजिए फिर इस दफा बताइए। बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। क्या बांसुरी फिर से? अच्छा, मेरे पास तुम हो आयजा खान। अरे वाह वाह वाह। पीछे आंखें तो नहीं है? मैं वही देख रहा हूँ इनके सर के पीछे। इधर जो इंटेलिजेंस है उस पे भी तो दाद दी। अच्छा, मेरी जो मैं गेस कर रही हूँ। अब किंजर साहिबा, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप उस तरफ चली जाएं। गुड जॉब। इसी तरह से जब बांसुरी में करूँ तो समझ जाना। हाँ नहीं, हर मैंने आपसे भी अदनान सिद्दीकी तो नहीं पूछना। चलिए मुमकिन नहीं देखना बाहर जी। जी दरखास्त है आपसे। चलिए घड़ी की रिफ्लेक्शन। दिस इज अ साइन ऑफ। लक्ष्य बनाती हैं वो। यार देख लिया उसने? नहीं देखा। देख लिया है? नहीं देखा। नहीं क्या है पेट स्टेप इसका? कभी डम शरेट्स खेली है वहाज? हाँ खेली। व्हाट इज दिस? वहाज हमेशा डम रहे हैं, शरेट्स नहीं खेली इन्होंने। ऐसे मौका और कुछ बताओ। बहुत खूबसूरत है। हाँ। उसके अलावा भी तो कोई क्वालिटी होगी। नहीं टॉल टॉल वो भी शाहरुख खान है। हाँ। पहुंच गए पास पास। अच्छा जेंडर का बता दें। जेंडर आपने नहीं बताया। लड़की? हाँ वो तो सही है लेकिन लेट अस। अच्छा एक्ट्रेस महिरा इंटरनेशनल शख्सियत एक और डूज। क्रिकेटर इतना बड़ा हिंट दे दिया, पूछ भी लो। ये सारे क्रिकेट बहुत बॉल बॉल वसीम अकरम। यस थैंक गॉड स्विंग के सुल्तान। थोड़ा सा टफ टाइम दे हम वहाज जी को। एक्टिंग स्किल चाहिए। आप हर जगह मुझे टफ टाइम देते ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं। वहाज यू हैव टू मेक गेसेस। ब्यूटीफुल। तो हर बात में ब्यूटीफुल। अच्छा वहाज इज नॉट कंसंट्रेटिंग। मेरा पार्टनर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। बताइए बताइए वहाज पीछे से कुछ चीज पड़ जाएगी। शॉट है? नहीं शॉट है। प्यारी है एक्ट्रेस? हाँ नहीं उनकी वेल्डिंग की दुकान है। टीवी चैनल चेंज करती रहती है। टीवी पे आती है। आ हा हा इससे अच्छा इशारा कोई। नादिया खान? नहीं नहीं ये गेस करो क्या है। चलो भर पानी ले आइए। बुलबुले? हाँ तो उसमें अच्छा है ना दिलपसी साहब? नहीं बहुत अच्छे महाज। देखिये यही एक सेकेंड महाज को पॉइंट ज्यादा तो नहीं है ना इसके? नहीं नहीं आप जीत गई। अगर मैं जीत भी रहा था तो आपको आप ज्यादा ज़हीन साबित नहीं है। वो शादीशुदा आदमी है, शादीशुदा आदमी ज़हीन थोड़ी होता है। अभी आपसे ये क्वेश्चन आपकी इजाजत से? नहीं मेरी तरफ से तो नहीं है लेकिन आपको नहीं ठीक है नहीं नहीं मैं नहीं पूछूंगी। क्वेश्चन ये था कि स्ट्रीट स्मार्ट जैसे होने की आपने बात की, आपने माशाल्लाह सोशल मीडिया पे झंडे गाड़े हुए, आपके फॉलोअर्स जो हैं वो उतने नहीं हैं, तो फॉलोअर्स की भूख बढ़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम या नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि मैं वही बात है ना कि जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि काम क्यों नहीं किया, काम मिला मिला काम, बट मैंने खुद नहीं करना चाहा बिकॉज मुझे वो वाली भूख नहीं है कि तो बस। मैं आप फ्यूचर देखती हैं अपना? मैं फ्यूचर देखती हूँ। अब फ्यूचर मेरा मुझे मुतमाइन करना है, लोगों को नहीं मुतमाइन करना। बाहर पांच साल से काम करो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आप समझते हो कि आपको वाकई रिकग्निशन मिली हो? मैंने एक फैसल कुरैशी भाई के साथ प्रोजेक्ट किया था हैवान, वो एक सोशल कॉज के लिए था। अच्छा। और फिर उसके बाद अहदे वफा। How was the experience working with ISP RG? Brilliant. तो अगर एक्टर ना होते फौजी होते? मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं फिजिकली इतना फिट नहीं था तो इसलिए फिजिकल टेस्ट में रह गया था। प्रोफेसर साहब पास हो गए थे टेस्ट में। प्लीज ये हमारी आर्मी के बारे में ऐसी बात ना करें, ये पास नहीं कर सकते। मैंने कब आर्मी का नाम लिया? किसमें पास हुए थे? टेस्ट में मैंने कहा। कौन से टेस्ट में? ये तो आप बताएंगे ना वो किस टेस्ट में पास हुए।
मैं टेस्ट क्यूब में पास हुआ था, और खुश हूं। किसने साहबा मुझे ये बताइए, व्हाई एक्टिंग एंड मॉडलिंग, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? अच्छा, एक्टिंग, मोर ऑफ एक्टिंग, लेस ऑफ मॉडलिंग, वेरी लेस ऑफ मॉडलिंग, बिकॉज आई फेल्ट कि मेरा पैशन है, मुझे मजा आना शुरू हो गया इसमें कैमरे के सामने, और अपने आप को एक्सप्लोर करने का मजा आया, डिफरेंट कैरेक्टर्स में जाने का मजा आया। मैंने पहले डिफरेंट चीजें ट्राई की थी, मैं पहले कपड़े बना रही थी, आई वॉज डिजाइनिंग क्लोथ्स आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, सो इट वॉज वर्किंग फाइन, सब बहुत अच्छा चल रहा था, बट फिर आया कि चलो एक करके देखते हैं कैसा होता है। सो व्हेन आई डिड दैट आई वाज लाइक नहीं। आप समझते हो कि आपको नहीं समझ सका शोबिज सेक्टर कि आप किस नौयत की एक्ट्रेस है, इसलिए यू आर वर्किंग लेस? अनुमान सर, आई फील के लोगों के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और एक्नॉलेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो बहुत फर्क हैं हमारे मुल्क में या कहीं पे भी एशियन साइड के अंदर, तो आई फील के उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने की तो मैं कोशिश नहीं कर रही। और वो स्टैंडर्ड्स क्या है? रंग बिल्कुल गोरा रंग है, और यू नो क्यूट होनी चाहिए, छोटी सी पिटीट सी, इस तरह वाला। लेकिन आगे तो फिर मेरे अलावा किसी को काम ही नहीं मिलेगा। चलो प्रीटी का है पेटी नहीं। आप एग्री नहीं करते? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है टैलेंट थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता मजीद ऊपर आ रहा है। आई वुड डिसएग्री विद दैट, बिकॉज़ प्रॉबली यू हैवंट फेस्ड इट, आई हैवंट इवन फेस्ड इट, बट आई नो कि लोग किस तरह से, किस क्राइटेरिया में आपको जज करते हैं और किस तरह से आपको वैल्यू करते हैं उस हिसाब से। उनको दो तीन लोगों के अगर नाम बता दें तो। अच्छा, अप टू सर्टेन एक्सटेंट आई डू एग्री विद हर, बिकॉज़ एक पैकेज तो मैटर करता है जब आप एज एन एक्टर आते हो, कि आप दिखते कैसे हो, आप की फिजिक क्या है, आपकी रंगत क्या है, ये चीज़ें मैटर तो करती हैं बाज जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि परफॉर्मेंस ये हमारे दौर में नहीं था जब हमने काम शुरू किया था? निसार कादरी साहब देख लें, निसार साहब देख लें, देयर आर सो मेनी पीपल, पता नहीं, आई फील कि वो वापस आ रहा है ट्रेंड। आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। जी जी प्लीज। एक एक्टर होने के नौयत से आप परफॉर्मेंस को कितना रेट करते हैं? 99%। सी, देयर यू गो। देखिए, मैं वही वाली बात है, मैं तो बिलीव ही परफॉर्मेंस के ऊपर करता हूँ। आई फॉर मी लुक्स आर सेकेंडरी। एब्सोल्युटली, ठीक है ना, बट ये चीज मैटर करती है। हम साया मुल्क में तो हमने देखा कि बड़े नॉर्मल लोग, एवरेज लोग अफगानिस्तान पे पहुंचे। नहीं नहीं, आप उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखें, नाना पाटेकर को देखें, और भी बहुत राजकुमार राव हैं, उनको देखें। आई फील खूबसूरती रिलेटिव है, आपको कोई खूबसूरत लगे, आपको ना लगे, आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो है, जी एक मर्द लगता हूँ और लगना भी चाहिए। अच्छा, एक दो और बताएं। मैंने आई थिंक 87 में ना जी, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, अल्लाह ताला वास्ते ब्रेक ले लो। मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ, मैं प्रोफेसर ही ठीक हूँ, मेरे से नहीं ये मरासियों वाले काम होते हैं। सही कह रहे हैं शाहजी। बहाद अली साहब, किंजर रजाक साहब हमारे साथ मौजूद है जी सरकार में, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार, बहाज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किंजा रजाक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना एसओपीज ना फॉलो करने पे कभी पुलिस ने रोका? नहीं, अभी तक नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा किया। अच्छा, वेरी गुड। अभी हुई पुलिस वालों से हनी भैया इंटरेक्शन? मैं वहाँ पे एक दफ़ा इस्लामाबाद जा रहा था एक शो के लिए। अच्छा, तो मोटरवे से काफ़ी पहले एक बहुत बड़ा नाका लगा हुआ था, उन्होंने टॉर्च मारी, गाड़ी रोक दी, जिसने रोका था उसने कहा जनाब, एकदम उसने कहा ओहो साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हो, खैर बैके जी, कितने जा रहे हो? नहीं नहीं इस्लामाबाद। अच्छा, साहब मिलना चाह रहे थे। मैं कहा ओके चलो। वो साहब जरा थोड़े नासुक थे, अब वो मेरे शीशे के पास आके इस तरह कर साहब क्या हाल है, मैं जी अल्लाह शुक्र, कितने चल रहे हो? मैं कह जी इस्लामाबाद। कल ही चल रहे हो? मैं कह सर मेरा शो है। शो कल ही कर रहे हो? मैं कहना जे थे शो करो। 15-20 मिनट उनके साथ मेरी बातचीत चली, आखिर उन्होंने किया, मैं कह जी क्या मसला क्या है? कहते मसला मसला कोई नहीं, गया साढ़ा एक बंदा थे अग्गे करके ला दो। मैं कह जी बंदा तो अड्डे रखा होया, मैं लाना नहीं। बड़ी मोहब्बत करते हैं खासकर हमारी पूरी पाकिस्तान की पुलिस और खासकर पंजाब पुलिस। चलिए, सरकार जानना चाहती है, ठीक है, छोटे छोटे सवाल है आप दोनों से। अच्छा, ठीक है, पहले मैं बिल्कुल जी खातून से शुरू कर लेता हूँ। कभी 5-star होटल में स्टे के दौरान वॉशरूम से शैम्पू, साबुन या कोई चीज चुराई हो?
चुराना क्या मेरा हक है? आप लोगों की वजह से मेरा हक है? कहाँ से हक है ये? नहीं, मतलब चुराना क्या होता है? वो रखते हैं और फिर आप कहते हो चलो ठीक है छोटे से हैं तो अच्छा गाली देना गुनाह है, लेकिन आपने ये गुनाह आखिरी बार कब किया? ये वहाँ आपसे नहीं, आप ही से, आप ही से। मैं गालियाँ नहीं देती हूँ, एक्चुअली आदत नहीं है, आदत नहीं है, नहीं है गाली। सब्जी लेने गई हो या धनिया फ्री में ना मिलने पर दुकानदार से झगड़ा? यार ये मैं सब्जी लेने जाती हूँ, बट मैं ये धनिया और इस तरह की चीजों पे लड़ाई है। धनिया तो देख के कहना फ्री ले जाए, उनके दुकान पे कपड़ों पे हुई होगी, बट धनिया के पीछे नहीं होगी। तो याद है चंगेज राम बकायदा साडे असी अब्बा जी ने कभी जाना बकायदा चढ़प हो जाती सी, तू कट पाया धनिया? मैं ज्यादा सब्जी लई है तो धनिया कट पाया, बट मेरे घर वाले तो कभी मुतमईन नहीं हुए, वो हमेशा कहते हैं दो हरी मिर्चें कम लाए। अच्छा मेरा स्टाइल डिफरेंट है, मैं सब्जी वाले को जाके ये नहीं कहता थोड़ा जा धनिया, अगर यार किलो धनिया पा के दो प्याज नाल दे। कोई पंजाबी का एक आधा डायलॉग तो सुनाए। टेस्ट लेते हैं आप हमेशा, मुझे आती है पूरी, समझ भी आती है। मुखे साहब कोई डायलॉग दीजिए पंजाबी का जो ये बोल के दिखाएं, बल्कि उर्दू में दीजिए जिसको ये ट्रांसलेट करके पंजाबी में करे प्लीज। अगर तुमने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दिया तो मैं तुम्हें तबाह कर दूँ। इसको ट्रांसलेट कीजिए पंजाबी में। जे तू मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ना दिता खाली हाथ आए तो क्या रिएक्शन होता है आपका? मेहमानों का फर्ज तो नहीं है हर दफा कुछ लेके आना। आप लोग अच्छे लोगों को नहीं मिलते? मतलब नहीं, कभी ले आए तो बहुत अच्छे ले आता है, कोई केक ले आता है, कोई ऐसी चीज ले आता है, बट हर दफा जरूरी नहीं है। घर का कोई ऐसा काम जिससे जान जाती हो? खाना बनाना। खाना नहीं बनाना आता? आता है बनाना, पिछले रमजान में सारी सहरी अम्मा अब्बा के लिए मैंने बनाई थी माशाल्लाह। लेकिन ये कि बाथरूम भी साफ हो जाता है, बस खाना बनाना जो एक ड्यूटी है ना वो नहीं हो सकती। नहीं, खाना बनाने में क्या आपको दिक्कत महसूस होती है? हमारे पाकिस्तानी खाने ये डालो मिर्च डालो फिर उसको रखो, मुश्किल है। ईजी खाना हो ना वो बड़ा खाना बना लेती है, बड़ा खाना ईजी होता है। टिक्की रखी तो दूसरा तो रख के पे देता। कभी हमसायों के वाईफाई चोरी करने की कोशिश की आपने? बिल्कुल की है, जब अपने वाईफाई बंद हो जाते हैं तो फिर कहीं से कोई फ्री। और हमसाये भी कितने अच्छे हैं, उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है। आए, वो भी कोई नहीं छोड़ता ना, उन्हें पता है कि मुझे नहीं छोड़ा। वो बल्कि टेरेस से फेरे अंदर आज सड़ा वाईफाई चोरी नहीं की। अपने आप को आईने में देखती है तो 10 में से कितने नंबर देती है? मैं वैसे तो नहीं देखती, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये कि आप दीवार को देख के लिपस्टिक लगा लेती है। मैं बगैर आईने को देख के मेकअप भी करती हूं। ओके वहाज साहब आपकी तरफ आते हैं, कभी किसी अदाकारा पे क्रश हुआ हो? अगर 100 से कम पे हुआ है तो बड़े अफसोस की बात है। मुझे क्रश बिल्कुल होता है और मैं उस फीलिंग को यूटिलाइज करता हूं एक्टिंग में। अगर हम पूछे किस पे हुआ? मुझे ईमान अली साहब पर बहुत क्रश था। अच्छा, वेरी गुड। ये उनको पता है? I don't think so. अब पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। अदाकारी ना करते तो क्या कर रहे होते? किसी टीवी चैनल में नौकरी कर रहा हूं। कौन सी? प्रोडक्शन का कोई भी काम कर रहा होता। ओके, कभी फेक अकाउंट्स बनाकर किसी को मैसेज किया हो या स्टॉक किया हो? बिल्कुल। कॉलेज के जमाने में खवातीन को जो क्लास फेलो यार खासी पूंदाना किस्म की शाबाश क्रॉस चेक करता था मैं फेक अकाउंट बना के। कोई ऐसा काम जो लीगल हो पर करने में इलीगल लगता हो? हाँ जी बिल्कुल, गैर जरूरी मोहब्बत करने में। गैर जरूरी, जरूरी कौन सी होती है और गैर जरूरी कौन सी होती है? जी जरूरी तो वही है जो घर पे है। जरूरी वो है जिस पे बस ना चल रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। घर के कौन कौन से काम करने में माहिर हैं?
एक भी नहीं बिल्कुल नहीं हिलते घर में। कोशिश करता हूँ कि करवट भी कोई दिलवा दे तो बेहतर। आप तो बहरुल काहे लाए टीवी है लेकिन बड़ा बेगम के पास एटीएम का पासवर्ड है, उनके पास ही एटीएम ही है। मैं इसलिए इतना कंफर्टेबल यहाँ बैठा हूँ। एक दिन के लिए अगर वजीर आजम बना दिया जाए तो कौन से तीन काम करने पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा घबराए, खुदा का वास्ता घबराए। यानी कि मुझे लगता है किसी को तसल्ली देना बहुत अच्छा काम होता है, घबराना नहीं है। तसल्ली और लारे में फर्क। इतनी अच्छी बात कैसी हो गई? तसल्ली जी, तो तसल्ली सबसे पहले दूंगा, उसके बाद जितनी भी खिदमत कर सका वो करूंगा और फिर अपना बैंक अकाउंट पे तवज्जो दूंगा। सारे काम एक दिन में कर लेंगे भाई, इतने को मुश्किल काम तो मैंने बताए नहीं। अच्छा, मैं तो बहुत इजी इजी काम बताए हैं सर। घर वाले आपकी किस बात से तंग है? मेरी मुझसे ही तंग है मुकम्मल। कोई एक बात, इसीलिए आप शो कितने बजे शुरू होना था आप दोपहर को ही आके बैठ गए। जी अच्छा, अल्लाह पाक अगर आपको एक ताकत दे दे इनविजिबल होने की, बिल्कुल, तो क्या करना पसंद करेंगे? कौन से प्रोड्यूसर से रिवेंज लेना पसंद करेंगे? अच्छा, ये फैमिली शो है, जरा रिवेंज लेना नहीं पसंद करूंगा मैं, सारे फैसले अपने हक में करवा दूंगा। इनविजिबल होके कैसे करवाएंगे आप? अगर इनविजिबल हूं और आपके क्यू कार्ड्स पे सवाल चेंज कर दूं और वो ऐसे सवाल कर दूं जो अनकंफर्टेबल करें, सबसे पहले तो मैं जाके किसी बैंक का नौकर खाली करूंगा। चोरी की तरफ तबीयत बहुत खराब है। मेरे प्रोड्यूसर साहब से कहा था कि गरीब लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा मत बनाना। अच्छा, इस पे ना मेरी एक टिप है कि बैंक का इंतखाब आपने ब्रांच का वो करना है जिसमें फॉरेन करेंसी हो, क्योंकि देखे ना पाकिस्तानी रुपये का तो मसला ये है कि 5 crore 3 bags में आएगा। आपने जाना है जहाँ पे कोयती दिनार हो, ठीक है, कि इतने से बैग में 10 crore। अगर किसी भी ब्रांच में हो गया ये मामला तो ये इस प्रोग्राम की कास्ट तो पकड़ी जाएगी। हमने ऑन एयर बैठ के प्रोग्राम बनाया, उसकी वजह ये है कि ऑन एयर बैठ के, और इन्हें मनी हाइस्ट पसंद भी बहुत है। मनी हाइस्ट में बैंक लूटते हैं और ये बहुत शौक से देखती है मनी हाइस्ट। आपको कैसे पता? ये हर जन्म में दाई रही है। और ब्रेक में आप बता रहे थे आप हैं बहाजी, अपने आप को देखते हैं तो कितने नंबर देना पसंद करेंगे? मेरा भी आप वाला सिस्टम है, मैं तो अपना फोन नंबर दे दूंगा। थैंक यू बहाजी साहब, किंजर रजाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, लेकिन जाने से पहले हम दरख्वास्त करेंगे कि अली भाई को कि एक खूबसूरत सा नगमा हो जाए। अरे वाह, वे तू जान ना जा, हावे तू जान ना जा, वे बेड़े आवाड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान हो, मैं तेरे चंगी विच मोर बुलंदा, इस इश्क दी चंगी विच मोर बुलंदा, सानू के बला ते काबा सोना यार दिसंदा, सानू के बला ते काबा सोना यार दिसंदा, सानू घायल करके मुड़ खबर ना ले, के मुड़ खबर न लिया, तेरे इश्क न जाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क न जाया कर थैया।